नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश राजपूत है। आप सबका स्वागत है एस्पिरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू में। आज इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन बियॉन्ड एम लक्ष्मीकांत सीरीज का चैप्टर 2 है, जिसमें हम सबसे पहले डेमोक्रेसी के बारे में समझेंगे एंड जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसी में ही जो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे बिफोर डायरेक्टली स्टडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि अगर आपको एक स्ट्रक्चर पता चल जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या हमें पढ़ना है, तो आप जब पढ़ते हो तो आपको एक अच्छे से क्लैरिटी आती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेमोक्रेसी से। तो डेमोक्रेसी क्यों पढ़ाया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने से पहले? क्योंकि आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं वहाँ पर कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने के लिए बनाए गए हैं। तो अगर आपको डेमोक्रेसी अच्छे से अंडरस्टैंड होती है देन आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके आंसर भी बहुत ही बेटर तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। तो सबसे पहला है डेमोक्रेसी। तो अगर सिंपल टर्म में हम समझे तो डेमोक्रेसी का मीनिंग है कि गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल। सिंपल है कि जो सरकार है वो लोगों ने बनाई है और लोगों के लिए ही बनाई है। तो बेसिकली डेमोक्रेसी रिलेटेड टू गवर्नमेंट। तो पहले गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट अगर हम देखते हैं तो डेमोक्रेसी के पहले किंग्स थे, किंगडम्स थे या डिक्टेटर्स भी हो सकते हैं, ऐसे सिस्टम्स थी। तो क्या कमी थी उसमें? तो सबसे पहला था कि एक ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ फैमिलीज ही थी जो वो पूरे एरिया को कंट्रोल करती थी। कॉमन पीपल्स का कोई सही नहीं था। तो डेमोक्रेसी में क्या किया गया? जो कॉमन पीपल है पहले उन्हें चांस दिया गया। तो जो कॉमन पीपल है वो खुद ही सरकार चलाएंगे। तो बेसिकली इतना ही आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाना है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है डेमोक्रेसी का पढ़ने का वो है ये टाइप्स क्या है। जनरली दो टाइप्स हैं, एक है डायरेक्ट एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आपका क्या होता है कि जो लोग हैं वही डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ में, जैसे लॉ मेकिंग हो गया। ठीक है, लेकिन इसके लिमिटेशंस है। अगर पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है तो हम ये अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी ग्राम सभा लेवल पर देख सकते हैं, पंचायत लेवल पर देख सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। सेकेंड आता है मोस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, वो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसमें एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है उन्हें अपने में से कोई एक बंदा चुनना है और फिर वो उनके लिए लॉज या फिर एग्जीक्यूटिव्स के काम करेगा गवर्नमेंट में जाके, और उसके टर्म्स भी फिक्स रहेंगे कि वो 4 साल या 5 साल के लिए ही रहेगा, उसके बाद री इलेक्शन होगा सो दैट लोगों को चांस मिले उसके काम को जज करने के लिए। तो ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट है, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं जो सरकार चलाएंगे। तो प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो जो है डेमोक्रेसी में वो तो रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए जितने भी देश हैं अभी मैक्सिमम देशों में रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ ही डेमोक्रेसी यूज़ की जाती है। कोई इक्के दुक्के पॉइंट पे ही डायरेक्ट डेमोक्रेसी यूज़ होती है, जैसे कि रेफरेंडम लिया गया ब्रिटेन में, तो कोई तो येस और नो टाइप के अगर कोई क्वेश्चन है जो लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाले हैं तब रेफरेंडम लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी से रिलेटेड। देन हम आते हैं कि डेमोक्रेसी पर्टिकुलर नेशन में कैसे लागू की जाती है। देखिए, ये डेमोक्रेसी जो था ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था यूरोप में, तो ऑब्वियसली वहाँ पे पहले लोगों की सोच थी और वो लोगों की तरफ से इनिशिएटिव हुई थी, इसलिए फिर वहाँ पे डेमोक्रेसीज मोस्टली स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो बाकी नेशंस है जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे डेमोक्रेसी का जो एसेंस था वो लोगों को पता नहीं था। पहले सिस्टम लाई गई एंड देन लोगों को एहसास किया गया कि डेमोक्रेसी ऐसे चलती है। तो ये फ़र्क पड़ता है बहुत ही, एक है कि जहाँ से लोगों की तरफ से ही डिमांड थी और एक है जहाँ पे जो
मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल थे जो फ्रीडम फाइटर्स रहे थे हमारे, उन्हें डेमोक्रेसी ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगती थी कोई भी नेशन चलाने के लिए। तो उन्होंने डेमोक्रेसी पहले लागू की और फिर लोगों में उसका एसेंस जगाना चालू किया। ठीक है, देन जो पॉइंट आता है डेमोक्रेसी से रिलेटेड, कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि पर्टिकुलर नेशन की जो डेमोक्रेसी है वो सही चल रही है या नहीं। तो ये कुछ पॉइंट्स पे हम उसे जज करते हैं। सबसे पहला तो जो वहाँ की पॉपुलेशन है वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है फॉर द वोटिंग एंड फॉर द रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो भी पॉपुलेशन जो भी सिटीजन है वो वोट कर सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड रिलीजन, ठीक है, और कलर, एंड रिप्रेजेंटेशन में भी कोई भी खड़ा हो सकता है। तो ये दो पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है रेगुलर इलेक्शंस, कि अगर 5 साल का टर्म है तो 5 साल के बाद इलेक्शन डेफिनेटली हो रहे हैं। तो जब रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं इसका मीनिंग है कि डेमोक्रेसी स्टेबल है। बहुत से ऐसे नेशंस हैं जहाँ पे इलेक्शन पोस्टपोन्ड ही किए जाते हैं जो सरकार बैठी है उनकी तरफ से। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि नाम के लिए डेमोक्रेसी चला रहे हैं लेकिन इलेक्शन ही नहीं करवा रहे। ठीक है, कोई भी नेशंस ऐसे हैं कि जहाँ पे एक ही सिंगल पार्टी है और वोटिंग के ज़रिए वही सिंगल पार्टी का बंदा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनता है। देखने के लिए दिखता है कि ये इलेक्शन है लेकिन अगर सिंगल पार्टी है तो फिर उसके कंपटीशन में कोई नहीं है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में थोड़ा मल्टी पार्टी सिस्टम भी होना चाहिए। मेजर जो नेशंस हैं वहाँ पे ड्यूअल पार्टी सिस्टम है, अगर हम यूएसए की बात करते हैं, ब्रिटेन की बात करते हैं, लेकिन फिर इंडिया जैसे नेशन में जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम चलती है जो बेटर है हम अगर कंसिडर करें तो। सो डेमोक्रेसी इस टॉपिक का जो लास्ट पॉइंट रहता है वो कि इंडिया की डेमोक्रेसी कैसी है। तो सबसे पहली बात है कि रिप्रेजेंटेशन के बारे में इंडियन डेमोक्रेसी में किसी को भी पीछे नहीं रखा है, हर एक बंदे को रिप्रेजेंटेशन है, हर एक बंदा वोट कर सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस थिंग, की कास्ट क्रीड एंड रिलीजन। ठीक है, देन रेगुलर इलेक्शंस भी इंडिया में होते हैं, हर 5 साल में इलेक्शंस होते ही हैं। बीच में इमरजेंसी के टाइम थोड़ा पोस्टपोन हुआ था लेकिन जैसे ही इलेक्शन हुए लोगों ने पनिशमेंट भी दिया और इंदिरा गांधी जो थी वो उस वक्त इलेक्शन हार भी गई थी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी एक हेल्दी डेमोक्रेसी है, अच्छे से वर्कआउट हो रही है, एंड एट द सेम टाइम मल्टी पार्टी सिस्टम्स हैं, जो पार्टीज़ हैं वो चेंज होती रहती है, सेंटर पे अलग रहती है, स्टेट्स पे अलग रहती है, तो कोई सिंगल पार्टी का कंट्रोल नहीं चलता है ज़्यादातर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी एक स्टेबल डेमोक्रेसी है। ठीक है, अभी हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें मेंशनड है तो हमें वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझता है। हम बहुत से बार क्या होता है कि स्टूडेंट डायरेक्टली के आर्टिकल्स पढ़ना चालू कर देते हैं, पहले समझ तो लो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले तो हमें टेरिटरी के बारे में पढ़ना होता है जिसमें फिर हमारी बॉर्डर्स डिफाइंड हुई है, फिर अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो क्या प्रोसीजर होती है, और फिर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इंडिया का वो अगर चेंज करना है तो उसकी क्या प्रोसीजर है, ये टेरिटोरियल पार्ट में हमें पढ़ना होता है। देन सिटीजन्स के जो पार्ट है उसमें हमें सिटीजनशिप्स के क्राइटेरियाज पढ़ने होते हैं। अभी जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था तो जो लोग बॉर्डर के इस तरफ या उस तरफ जा रहे थे तो उनके लिए कुछ क्राइटेरियाज थे सिटीजनशिप्स के, लेकिन अभी बहुत साल हो चुके हैं तो अभी जो नॉर्मल क्राइटेरिया होता है बेसिकली कोई भी नेशन के सिटीज़न बनने के लिए वो वहाँ पे मेंशनड है। एंड एट द सेम टाइम अगर कोई दूसरे देश का सिटीज़न है उसे इंडियन सिटीज़नशिप चाहिए तो उसकी भी वहाँ पे प्रोसीजर लिखी गई है। सेम सिमिलरली सिटीजन्स है तो सिटीजन्स को राइट्स देना ये एक मॉडर्न नेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और डेमोक्रेसी में तो
राइट्स दिए ही जाते हैं सिटीजन्स को, तो फिर वो फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए गए हैं कि जो एक बेसिक राइट्स हैं जो हर सिटीजन्स को मिलनी ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, ये भी सिटीजन्स के लिए ही है। द रीज़न इज़ कि फंडामेंटल राइट्स एक तरीके से पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड करता है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज ये सोशियो इकोनॉमिक राइट्स प्रोवाइड करता है, वो कंपलसरी नहीं है। उसके भी रीजंस हैं, क्योंकि जब देश बना था तब हमारे पास उतने रिसोर्सेस नहीं थे या फिर पॉपुलेशन की वैसी माइंडसेट नहीं थी कि हम सोशियो इकोनॉमिक राइट्स लागू कर सके, तो फिर वो गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को एक डायरेक्टिव्स है कि आने वाले टाइम पे जैसे जैसे वक्त मिले और सिचुएशन राइट रहे तो ये राइट्स आपको प्रोवाइड करने हैं। एंड देन आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था लेकिन बाद में उसे मेंशन किया गया है, जिसमें सिटीजन्स की ड्यूटीज़ टूवर्ड्स द नेशन मेंशन की गई हैं। ठीक है, इसके बाद जो मेजर पोर्शन आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आता है आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो एक्चुअली हमारी सीरीज़ का जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर रहेगा वो यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि पहले अगर पर्टिकुलर नेशन में लॉ कैसे बनते हैं यही नहीं पता तो हम बाकी पढ़ के भी हमें कुछ समझेगा नहीं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सिस्टम में हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो लेजिस्लेटिव विंग पढ़नी है। तो सेंट्रल लेवल पे जो लेजिस्लेटिव विंग है उनके फॉर्मेशन, उनके ड्यूरेशन, उनके वर्किंग प्रोसीजर्स, ठीक है, उनके इलेक्शंस, ये हमें वहाँ पे पढ़ने। सिमिलरली स्टेट लेवल पे ही पढ़ लेने हैं, क्योंकि कंपेरेटिव फैक्टर मिल जाता है और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर रहती है। उसमें फिर हम जैसे कि लोकसभा है तो राज्यसभा है, इनके बारे में पढ़ेंगे, इन दोनों के रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सिमिलरली पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव के कंपेरेटिव फैक्टर्स देखेंगे, तो ये लेजिस्लेटिव में हमें पढ़ने हैं। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव्स के बारे में पढ़ना है कि उनके सिलेक्शंस कैसे होते हैं, उनके वर्किंग प्रोसीजर्स क्या है, उनके पावर्स, उनके लिमिटेशंस, सेंट्रल लेवल पे एज वेल एज स्टेट लेवल पे एक ही बार हम पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर जुडिशरी आती है, जुडिशरी एक सेपरेट विंग है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, इन तीनों लेवल के बारे में हमें पढ़ना है। फिर उनके सिलेक्शन प्रोसीजर्स क्या है, उनके पास क्या क्या पावर्स है, क्या लिमिटेशंस है, वो हमें वहाँ पे पढ़ने होंगे। उसके बाद फिर जो आता है हमारा थर्ड टीयर ऑफ द गवर्नमेंट, जो एक यूनिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें हम पंचायत सिस्टम पढ़ते हैं। सो दो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गवर्नेंस सिस्टम क्रिएट किया गया है वो हमें पढ़ना है, जिसमें फिर हम ग्राम पंचायत हो गया, फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, तो इनके इलेक्शंस कैसे होते हैं, इनके पास क्या क्या पावर्स हैं, इनके पास क्या क्या, इनकी क्या लिमिटेशंस हैं, और फिर एट द सेम टाइम वो कितने लेवल तक सक्सेसफुल हुए हैं, ये भी हमें वहाँ पे पढ़ना है। तो ये हो गया आपका पूरा गवर्नेंस स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद फिर हमें कुछ ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं जो डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है, तो जिसमें इलेक्शन कमीशन हो गया, कैग हो गया, देन आपका यूपीएससी हो गया, तो ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके फिर हमें फॉर्मेशन, उनके वर्किंग मैंडेट्स, उनके पावर्स, लिमिटेशंस वहाँ पे वो पढ़ने होते हैं। उसके बाद फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एक्सेप्शनल्स हैं कि अभी इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है तो बहुत से ऐसे रीजन्स हैं कि जो अंडर डेवलप्ड हैं या फिर ट्राइबल एरियाज़ में आ जाते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में मेंशन किया है, तो जिन्हें ये जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है इनके अलावा थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन वहाँ पे लागू किया जाता है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखना है वो क्या है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। उसके अलावा फिर जो यूनियन टेरिटरीज़ है, ये यूनियन टेरिटरीज़ कैसे वर्किंग करती है, उनका सिस्टम कैसा रहता है, वो हमें पढ़ना है। एंड देन हमें पढ़ना है सेंटर और स्टेट के रिलेशन, इन दोनों के बीच में जो रिलेशंस है उसे हमें लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशरी, इन तीनों लेवल पे जाके पढ़ना है। तो ये आपका ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, कि जो भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे कहीं तो इसी से रिलेटेड रहेगा।
तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर समझना। अगर आपको अंडरस्टैंड हो जाता है एंड देन आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट करते हो तो बहुत ही बेटर तरीके से आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझने में मदद होती है। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।